यूपी के बहराइच के दरगाह शरीफ थाना क्षेत्र अंतर्गत जमील कॉलोनी में हुई अधिवक्ता हत्याकांड में पुलिस ने चंद घंटों में खुलासा कर दिखाया है, जिसमें पुलिस ने पत्नी सहित दो अन्य युवकों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि मृतक इस्तिजारुल हक पेशे से एक अधिवक्ता थे। उनकी पत्नी का नाम नुसरत जहां है, जिनके मकान में नदीम, जो कि मस्जिद की साफ़ सफाई करने का काम करता है, उसको व उसके मित्र दाऊद को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नदीम के संबंध नुसरत जहां से तब हुए जब वह बच्चों को पढ़ाने आया करता था। तभी उसकी मुलाकात मृतक की पत्नी नुसरत जहां से हुई। फिर उसके बाद मृतक की पत्नी नुसरत जहां और उसकी आशिक नदीम और नदीम के मित्र दाऊद ने मिलकर अधिवक्ता इंतजारुल हक की हत्या की कहानी रच डाली। बड़े शातराना अंदाज में इन तीनों लोगों ने मिलकर घर में ही सो रहे अधिवक्ता को मौत के घाट धारदार हथियार से गला रेत कर उतार दिया। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अभियुक्तों पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल के लिए रवाना कर दिया। इस हमारे भाई की हत्या में उनकी बीवी का पूरा साथ है। हमारे भाई के दो बच्चे छोटे हैं, एक 5 साल का, एक 3 साल की बिटिया है। जो नदीम नाम का शख्स है वो हाजी हाफिज़ है, वो ट्यूशन पढ़ा रहा था। पढ़ाने के दौरान हमारी छोटे भाई की बीवी से गला संबंध हो गया, इसी चलते मेरे भाई की हत्या उसने करा दी। पुलिस ने खुलासा किया है उसमें अवैध संबंध की बात से उन्होंने इनकार किया है, रिश्ते की बात मानी है। इसको किस तरीके से आप साबित करना चाहेंगे कि लोगों के बीच में अवैध संबंध? नहीं, किसी दोस्ती के कारण कोई हत्या नहीं होती। जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो 100% इसमें श्योर होता है कि कहीं ना कहीं से दोनों के बीच में गलत संबंध होते हैं। और एक रिकॉर्डिंग भी हम लोगों ने कहीं सुनी है, उसमें ये कहा गया है कि इनकी हत्या कर दो भी हम लोग हमेशा साथ में रहेंगे। ये नदीम से और मृतक की पत्नी यानी कि हमारे छोटे भाई की बीवी से बात हुई है। ये आपके यहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाते थे भाई? दो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। दोनों बच्चों के ट्यूशन पढ़ाने के दौरान ही दोनों में संबंध बन गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं। वकील साहब, इन दोनों लोग इमाम पेशे से मस्जिद से जुड़े हुए हैं, धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि कोई आदमी जो इस तरीके का इमाम हो या मौलवी हो वो इस हद तक जा सकता है? अब हत्या से ज़्यादा बड़ी हरकत और क्या हो सकती है? हम वकील हैं, हम पेशे से, हमारा जूनियर सिर्फ कर रहा था, वो भी वकील था। पुलिस की इस खुलासे पर क्या कहना है? बहुत खुशी की बात है कि पुलिस ने इतनी जल्दी कोई खुलासा कर दिया है। 6-7 घंटे में खुलासा हो गया, सब लोग पकड़ लिए गए, आला कत्ल बरामद हो गया है। जितनी तारीफ की जाए कप्तान साहब की, एडिशनल साहब की, SHO कोतवाल साहब की, SHO साहब की, दरगाह की और स्क्वाड टीम की, बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने तीन लोग खुलासा कर दिया। नहीं, अलग अलग मस्जिदों में थे। ये दाऊद जो अलग मस्जिद में थे और जो नदीम थे ये अलग मस्जिद में थे। सर, हत्या की सूचना मिलने के बाद कितने घंटे में पुलिस ने जो है SOG ने जो इसका खुलासा किया? पुलिस को शक तो हत्या घटनास्थल का निरीक्षण जब हुआ तभी हो गया था शक कि वास्तव में इस घटना में कुछ इसके तार कहीं ना कहीं घर से जुड़े हुए हैं। लेकिन इन सब सारी चीज़ों को लिंक करने में और सारी चीज़ें क्लियर होने में हम लोग को 4 से 5 घंटे लगे अंदर। और अभियुक्तों ने जा करके बाउंड्री कूद करके उनके घर के अंदर धारदार हथियार से उनके चेहरे, उनके गर्दन और उनके हाथों पे जो है चोट पहुंचा करके उनकी हत्या की थी, जिसमें उस घटना का पूरा अनावरण किया गया। पुलिस टीम ने, हमारे स्वाट टीम जो हमारे ज़िले की और इंस्पेक्टर दरगाह शरीफ की टीम ने उसका अनावरण किया है। तो पूरा घटनाक्रम अनावरित होने के बाद इस प्रकार सामने आया कि जो इंतजारुल हक जी थे, उनकी पत्नी थी कुलसुम उर्फ नुसरत जहां, ये इनकी दोस्ती वहां पे बगल में एक नदीम अहमद नाम का व्यक्ति था जो मस्जिद में रहता था, वहां पे जो है कुछ सेवादारी का काम किया करता था, उससे हो गई थी। और इसी दौरान जो है इनके हस्बैंड द्वारा इनके रिश्तों में खटास आ गई, जिसके नाते इनकी नदीम से दोस्ती और गहरी हुई। उसके बाद अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने नदीम और उसके एक दोस्त नदीम जो कि ले आया था दाऊद,
दोनों के साथ मिल करके इन्होंने अपनी पत्नी पति की हत्या कराई और उसमें खुद भी शामिल थी। इस पूरे घटना का अनावरण हुआ है जिसमें जब अभियुक्त गए थे अभियुक्तों को क्लियरेंस करने के लिए हरी झंडी दिखाने के लिए इनकी पत्नी द्वारा उनको फ़ोन भी किया गया था और उनको बताया गया था कि इस समय रास्ता साफ है आ जाओ। और इनकी प्लानिंग जो इनकी रिकॉर्डिंग जो उनके बातचीत आपस में उसकी कुछ रिकॉर्डिंग भी हम लोगों के पास मौजूद हैं जिसमें प्लान करते हुए इन लोगों को उसमें सुना जा रहा है। इस प्रकार अभियुक्तों ने अपने जुर्म का कबूल भी किया है। अभियुक्तों की निशादेही पर उसमें आला कतल की बरामदगी नाले से बरामद किया गया है। आला कतल बरामद हुआ, खून लगे कपड़े बरामद हुए हैं। इस प्रकार घटना का मोटा मोटी ये पूरा विवरण है। इसमें अगर आप लोग किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। नदीम एक तरह से मस्जिद में रह करके जो सेवादारी होती है जो सफाई उफाई और ये सब काम मस्जिद में इस अब इनकी आपस में दोस्ती थी किस स्तर की कहाँ तक की दोस्ती थी निश्चित रूप से अगर हत्या तक प्रकरण पहुँच रहा है तो संभावना इस बात की है कि उनकी काफ़ी घनिष्ठ दोस्ती थी। अवैध संबंधों की जहाँ तक बात है वहाँ पे अभी दोनों लोग इस बात का इनकार कर रहे हैं। उनकी पत्नी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही है, नदीम भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं इस बात को, लेकिन अपनी दोस्ती इन लोगों ने इकरार जुर्म किया है। नसीम का दूसरा साथी जो है ये अभियुक्त दाऊद जो था इनाम पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिया गया और हम लोग रिकमेंड करेंगे कि इसको जो है DIG साहब द्वारा भी इस टीम को पुरस्कृत कराया जाए। 25,000 रुपये तो लोकल स्तर से हो जाता है, इसके ऊपर जो है DIG साहब और AD साहब के माध्यम से इस पुरस्कार में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम लोग अनुरोध करेंगे पुलिस अधीक्षक महोदय से कि ये पुरस्कार की राशि बढ़ाई जाए और AD साहब से पुरस्कृत कराया जाए, सिफारिश की जाएगी इन लोगों के लिए। AD साहब तक हम लोग जाएंगे, जहाँ तक इस टीम के जो इतने तेज़ी से इन्होंने आवरण किया तो वहाँ तक हम लोग इसको ले जाएंगे।